अब आज भी कह रहा हूँ, योगी जी तुझे तो वहां पहुंचाऊंगा जहां भीख मांगने की ट्रेनिंग दी जाती है। कहा कहां चल रहा, कोई नेता है तो माननीय नरेंद्र मोदी जी, दूसरे नंबर का झूठा उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ। बीएसएन बेच दिया, कोयले की खदान बेच दिया, नारा दिया गरीबों को बकाया, अरे गरीबों हवाई चप्पल पे चलने वाले लोगों हवाई जहाज में उड़ाऊंगा, जो हजियो बेच दिया। आप बताइए, चिल्लाते हैं भाजपाई हमने अंतरराष्ट्रीय हिंदू खतरे में है, अरे प्रधानमंत्री हिंदू, गृह मंत्री हिंदू, रक्षा मंत्री हिंदू और मुख्यमंत्री हिंदू, इस्लाम खतरे में होता तो मैं मानता, सब हिंदू, हिंदू खतरे में, हिंदू खतरे में नहीं, योगी और मोदी की कुर्सी खतरे में साथियों। ये बोल सुन रहे हैं आप, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, ये बोल हैं दोबारा एनडीए में शामिल हुए सुभासपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर के। हाँ, वही राजभर जो चुनावी मौसम को देखते हुए फिर से भाजपा से गलबहिया करने को तैयार हैं और एनडीए की कश्ती में सवार होकर 2024 का रण फतह करने निकलने की तैयारी कर रहे हैं। इस उम्मीद पर उनका कुछ भला होगा। इससे पहले जब ओम प्रकाश राजभर 2017 में भाजपा के साथ गठबंधन कर चुनाव लड़े थे तब मंत्री भी बने थे, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने इन्हें कुछ समय बाद मंत्रिमंडल से भगा दिया था। तब ये योगी और मोदी को पानी पी पी कर कोसते थे, लेकिन धन्य हो राजनीति का कि कब थाली का बैंगर बनना पड़े कोई नहीं जानता, और राजभर फिर से थाली का बैंगर बन एनडीए में शामिल हो गए हैं। 2022 की विधानसभा चुनाव में भाजपा से धकियाए गए अखिलेश के गुलदस्ते में फिट हो गए और लगे मोदी और योगी को कोसने। जरा सुनिए क्या क्या नहीं कहते थे राजभर उस समय। अब आपको तारीख दर तारीख बताते हैं कि ओपी राजभर ने पीएम मोदी और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के बारे में क्या कुछ कहा था। जब आप उनका बयान सुनेंगे तो सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। सुनिए जरा। तो ये तारीख थी 11 दिसंबर 2021। यूपी विधानसभा का चुनाव प्रचार पूरे शबाब पर था, नेताओं की रैलियां जोरों शोरों से चल रही थी। इसी कड़ी में ओपी राजभर पहुंचे थे वाराणसी, जहां उन्होंने पीएम मोदी और सीएम योगी को सबसे बड़ा झूठा बता दिया था। सुने उनका पूरा बयान। अगर कोई नेता है तो माननीय नरेंद्र मोदी जी, दूसरे नंबर का झूठा उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी। कहा था इन्होंने, मर्द कहता है उसकी बात पर यकीन होता है, सौगंध मुझे इस मिट्टी की देश नहीं बिकने दूंगा। रेलवे बेच दिया, बैंक बेच दिया, LIC बेच दिया, BSNL बेच दिया, कोयले की खदान बेच दिया, नारा दिया गरीबों को बकाया, अरे गरीबों हवाई चप्पल पे चलने वाले लोगों हवाई जहाज में उड़ाऊंगा, जो हजियो बेच दिया। आप बताइए, चिल्लाते हैं भाजपाई हमने अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट बना दिया, के करे बदे बनौले हुआ, अडानी के बेचे बदे, ओके समझावा जे ना जानत हो। ये सब झूठ बोल करके सही रास्ते से भटकाना चाहते हैं कि हमारे तरह गलत रास्ता भी पकड़ लो। ये तो हुई एक जगह की बात। इस दौरान ऐसी कई रैलियां थी जिसके मंच पर चढ़कर ओपी राजभर पीएम मोदी और सीएम योगी को क्या क्या नहीं कहा था। वाराणसी से आते हैं अब बलिया। तारीख 6 जनवरी 2022, यहाँ भी ओपी राजभर अपने ही अंदाज में पीएम मोदी और सीएम योगी पर बरसते दिखे थे। उन्होंने तो ये तक कह दिया था कि चुनाव के बाद सीएम योगी को ऐसी जगह पहुँचवाऊंगा जहाँ भीख मांगने की ट्रेनिंग दी जाती है। सुनिए उनका वो पूरा बयान। आवाज भी कह रहा हूँ, योगी जी तुझे तो वहाँ पहुँचाऊंगा जहाँ भीख मांगने की ट्रेनिंग दी जाती है। कहाँ चलवा तू, इस कोई न बोली, अरे तोहरे डर बउले वही भीतरा हम तक पता ली भीतरा हमने का बताई, एक तो कोई नहीं बार डिप्टी सीएम एक एक पुलिस स्टूलों पर बैठा दे अपना सोफा पर बैठी है, हम अगर हुई तुआ भाई ने वही स्टूलवा उठा के मारी चर्चे जने के, एक तो पटेल बा बेचारा प्रदेश अध्यक्ष हुआ के भाषण मारा था, अरे लोडर लोग वो भाजपा वाले बैठिया सोफा पर तो हाँ बैठिया फाइबर की कुर्सी पर, भैया का कहतुमन हिंदू मुसलमान भारत पाकिस्तान हमने के हिंदू बनावत हुआ, कहिया कुल हिंदू खतरे में है, अरे प्रधानमंत्री हिंदू, गृह मंत्री हिंदू, रक्षा मंत्री हिंदू और मुख्यमंत्री हिंदू, इस्लाम खतरे में होता तो मैं मानता, सब हिंदू, हिंदू खतरे में, हिंदू खतरे में नहीं,
योगी और मोदी की कुर्सी खतरे में साथियों। ये राजनीति है जनाब, यहाँ सिर्फ और सिर्फ नेताओं को सत्ता की मलाई चाहिए, उसके लिए भले नेताओं को किसी को भी कुछ भी कहना पड़े, कहने से नहीं चूकते हैं। ओपी राजभर को विधानसभा चुनाव के दौरान लगा था कि शायद अखिलेश की सरकार बनेगी, इसलिए ओपी राजभर बीजेपी से नाता तोड़कर अखिलेश के साथ हो गए थे, लेकिन चुनाव खत्म होते ही मलाई जब नहीं मिली तो अखिलेश से तलाक लेकर एक बार फिर से एनडीए की कश्ती में सवार हो गए हैं, और शायद बीजेपी ने भी समय की मांग को देखते हुए ओपी राजभर को एक बार फिर से अपनी कश्ती में सवार कर लिया है, क्योंकि बीजेपी जानती है कि पूर्वांचल में ओपी राजभर की अपनी पकड़ है, और शायद यही वजह है कि उन्हें बीजेपी ने एक और मौका दिया है। लेकिन सवाल उठता है, आखिर कभी पानी पी पी कर बीजेपी को कोसने वाले ओपी राजभर को क्या कट्टर बीजेपी समर्थकों का साथ मिलेगा, क्योंकि ओपी राजभर ने तो ब्रजेश पाठक से लेकर केशव प्रसाद मौर्य को भी नहीं बख्शा था। खैर, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि ओपी राजभर बीजेपी के लिए कितने फायदेमंद होते हैं, लेकिन उनका पुराना वीडियो अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसे समाजवादी पार्टी मीडिया सेल ट्वीट कर बीजेपी से कई सवाल पूछ रही है। अब देखना ये होगा कि ये राजनीतिक उठापटक कब तक चलता है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।